प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम, क्राइस्टचर्च कॉन्वेंट स्कूल गाडरवाड़ा। डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 10वीं विषय हिंदी पार्ट 13 समय नहीं मिला। इस पार्ट का अभ्यास लघु एवं दीर्घ उत्तरी प्रश्न एवं भाषा अनुशीलन समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लघु उत्तरी प्रश्न निकाल लीजिए। प्रश्न पहला, समय ना मिलने का बहाना कैसे लोग करते हैं? समय ना मिलने का बहाना ऐसे लोग करते हैं जो अनियमित रहते हैं, जो नियमितता से नहीं रहते, जो बहाने बनाते रहते हैं, जिनका काम अस्त व्यस्त रहता है। ऐसे लोग समय न मिलने का बहाना करते हैं। प्रश्न दूसरा, समय के संबंध में अंग्रेजी की मशहूर कहावत कौन सी है? समय के संबंध में अंग्रेजी की मशहूर कहावत है, समय ही धन है। प्रश्न तीसरा देखिए, मालवीय जी द्वारा आयोजित सम्मेलन सफल क्यों नहीं हुआ? मालवीय जी ने सन 1932 में प्रयाग में एकता सम्मेलन आयोजित किया था। वैसे तो ब्रिटिश सरकार की राजनीतिक दाव पेच के कारण यह सफल नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि मालवीय जी समय के पाबंद नहीं थे। वो उस सम्मेलन में समय से नहीं आए। समय से ना आने के कारण जो सम्मेलन में बड़े बड़े नेता बहुत दूर दूर से आए हुए थे, वो तितर बितर हो गए, वो वापस चले गए, जिस कारण से सम्मेलन सफल नहीं हुआ। आगे का प्रश्न देखिए, लेखक श्रीमन नारायण अग्रवाल ने किन लोगों को मुबारकबाद देना चाहा है? लेखक श्री श्रीमन नारायण अग्रवाल जी ने उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहा है जो समय के पाबंद हैं, जो समय के पाबंद हैं, जो समय देखकर कार्य करते हैं, जो समय की प्रतीक्षा करते हैं, जो समय को बर्बाद नहीं होने देते। लेखक ने उन लोगों को मुबारकबाद देना चाहा है। आगे का प्रश्न देखिए, आगे का प्रश्न है, सुबह जल्दी उठने से क्या लाभ होता है? लेखक ने बताया है, यदि आपको कार्यों से फुर्सत नहीं मिलती, आपके पास समय नहीं है, तो आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, जिससे हमारे समय की भी बचत होती है, हमारा काम समय पर हो जाता है। सुबह उठने से हमें शुद्ध वायु मिलती है, हम शुद्ध वायु का सेवन करते हैं, जिस कारण से हमारे शरीर में स्फूर्ति रहती है और काम भी समय पर हो जाता है। आगे का प्रश्न देखिए, लेखक श्रीमन नारायण अग्रवाल ने बड़ा व्यक्ति किसे कहा है? लेखक ने बताया है कि सभी बोलते हैं कि काम समय पर नहीं कर पाया, मैं काम में बहुत अस्त व्यस्त रहता हूं, इससे व्यक्ति बड़ा नहीं बन जाता। ऐसी बातें करने से व्यक्ति बड़ा नहीं बनता। बड़ा व्यक्ति वही होता है जो समय पर काम करता है, जो समय की इज्जत करता है, जो समय को बर्बाद नहीं होने देता, समय को अपने हाथों से नहीं निकलने देता, वही व्यक्ति बड़ा होता है जो अपने आज के कार्य को आज ही पूरा करता है, वह कल के लिए नहीं टालता, ऐसा व्यक्ति बड़ा होता है। आगे का प्रश्न देखिए, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने समय के महत्व को किस प्रकार बताया है? लेखक श्रीमन नारायण ने समय को बहुत महत्व दिया है। उन्होंने कहा है, समय ही धन है, समय बहुत मूल्यवान है, लेकिन समय की तुलना हम धन से नहीं कर सकते,
ये मशहूर कहावत है, समय ही धन है, लेकिन हम समय की तुलना धन से नहीं कर सकते। धन को तो घटाया बढ़ाया जा सकता है। मैंने आपको समझाया भी था, यदि बैंक जवाब दे दे तो करोड़पति राखपति बन जाएंगे, वे रातों रात भिखमंगे हो जाएंगे। लेकिन ईश्वर की अदालत में समय एक आदर्श लोकतंत्र माना गया है। समय किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, समय किसी की को गरीब और अमीर नहीं मानता। ये प्राकृतिक नियम प्रकृति के द्वारा जो प्राप्त है, समय को घटाया बढ़ाया भी नहीं जा सकता। अब आगे का प्रश्न देखिए, सभा सम्मेलनों में समय के संबंध में क्या देखा जाता है? सभा सम्मेलनों में समय के संबंध में देखा जाता है, कोई सम्मेलन हो रहा है और उसका समय दे दिया गया है। यदि दे दिया गया है 4 बजे से सम्मेलन शुरू हो जाएगा, लेकिन वह सम्मेलन 4 बजे शुरू होने वाला नहीं होता, वह 2 घंटे बाद ही शुरू हो पाएगा, क्योंकि बड़े बड़े नेता समय पर कभी नहीं आते। आम जनता उनकी प्रतीक्षा करती रहती है और उनके आने तक आधी आम जनता उठ करके चली जाती है। ऐसा हमारे भारत में ही नहीं होता, ऐसा विदेशों में भी यही हाल है। समय के कोई पाबंद नहीं होते, समय पर कोई नहीं जाता, वह समय से 2 घंटे बाद ही पहुंचते हैं। वो अपनी अनियमितता लिए हुए रहते हैं, इसलिए समय पर कोई कार्य पूरा नहीं हो पाता। किसी भी बैठक का समय पर आरंभ हो जाना अपवाद क्यों बन गया है? बैठक में प्रारंभ होने का समय दिया जाए, उसी पर प्रारंभ हो जानी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता, इसके विपरीत होता है। जो समय दिया जाता है उसके बाद ही बैठक शुरू होती है, जिस कारण से बैठक का अपवाद हो गया है। ये नियम अपवाद में परिवर्तित हो गया है, बदल दिया गया है, अपवाद बन जाते हैं। लोग समय के महत्व को नहीं समझते हैं, वे समय के गैर पाबंद हो गए हैं, इसलिए बैठकों का समय पर प्रारंभ होने की परंपरा सी हो गई है कि कभी कोई भी बैठक समय पर आरंभ नहीं होती। जो समय दिया जाता है वो निकल जाता है, उसके बाद ही सभा आरंभ होती है। लेखक श्रीमन नारायण अग्रवाल ने विदेशों में समय की बर्बादी के क्या उदाहरण दिए हैं। समय की बर्बादी मात्र भारत में ही नहीं है, समय की बर्बादी जापान, यूरोप जैसे देशों में भी है। वहां पर भी सभाएं सम्मेलन समय पर तो होने लगते हैं, पर उस समय को लेकर के जो कार्य मिलता है वह समय पर नहीं हो पाता। ये समय की बर्बादी भारत में ही नहीं, ये विदेशों में भी चल रही है। समय के कोई पाबंद नहीं है, और यदि कोई कार्य ऐसा है उसके लिए व्यक्ति समय निकाल लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था थिएटर और सिनेमा हॉल, उसके टिकट लेने के लिए ऐसी जगह सड़कों पर भीड़ लगा लेते हैं और 2-2, 3-3 घंटे खड़े रहते हैं, अपना कीमती मूल्यवान समय बर्बाद कर देते हैं। उन्हें समय की परवाह नहीं होती, भले ही वो जब तक खड़े रहेंगे जब तक उनको टिकट प्राप्त नहीं हो जाएगी, और जैसे ही उनको टिकट प्राप्त हुई भले ही उनको वहां अंदर बैठने के लिए जगह न मिले तो वो घर वापस आ सकते हैं, लेकिन वो बिना टिकट प्राप्त किए बाहर नहीं निकल सकते। आगे का देखिए, जीवन में समय की पाबंदी के साथ साथ कुछ लचक रखना ही क्यों जरूरी है? समय का पाबंद होने के साथ साथ व्यक्ति को अन्य सभी के साथ भी मिलकर चलना चाहिए। व्यक्ति को समय के साथ भी चलना चाहिए, अपने परिवार वालों के साथ भी चलना चाहिए, मनुष्य को मशीन नहीं बन जाना चाहिए, उसको घड़ी के कांटे की तरह नहीं घूमना चाहिए।
यदि वह मसीह बन जाएगा तो उसका जीवन तो वहीं से समाप्त होना शुरू हो जाएगा, वह आगे नहीं बढ़ पाएगा, वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। समय बचाने के लिए उसे सुबह जल्दी उठना चाहिए। वह जल्दी उठेगा, शुद्ध वायु का सेवन भी करेगा, शरीर में स्फूर्ति भी आएगी, उसका काम भी समय पर हो जाएगा और वह आराम से भी रह पाएगा, अपने परिवार को भी समय दे पाएगा। अब आगे देखिए, संधि विच्छेद कर, महासानुशीलन देखिए, संधि विच्छेद करना है तो देखिए, संधि विच्छेद कर नाम बताइए। सज्जन, सत घन जन, तामय हलंत आया है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। सत धन जन बराबर सज्जन, सदुपयोग, यहां भी सत धन उपयोग बराबर सदुपयोग, ये भी ताम क्या आया है, हलंत आया है, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। अभी मैं आपको ऐसे ही समझा रही हूँ, व्याकरण में अलग से समझाऊंगी। सम्मेलन, समधन मेलन बराबर सम्मेलन, ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी, स्वदीर्घ संधि का उदाहरण है। मनोविकार, मनाधन विकार बराबर मनोविकार, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। अब आगे देखिए, समास विग्रह करके नाम बताना है। यथा समय, समय के अनुसार, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अस्त व्यस्त, अस्त और व्यस्त द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऊंच नीच, ऊंच और नीच, ये भी द्वंद्व समास का उदाहरण है। अर्थव्यवस्था, अर्थ की व्यवस्था, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समाहार या पांच तंत्रों का समूह, द्विगु समास का उदाहरण है। गजानन, गज के समान आनंद है जिसके, अर्थात गणेश भगवान, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अब प्रश्न तीसरा देखिए, ख्याल सिनेमा, तो ये तो आपको ही देखना है, आपको छांटना है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। देश का पर्यायवाची क्या होगा? देश का पर्यायवाची होगा राष्ट्र और वतन। आदमी, आदमी का पर्यायवाची होगा मनुष्य और मानव। सुबह, सुबह का पर्यायवाची होगा प्रभात और सवेरा। लालसा, लालसा का पर्यायवाची होगा इच्छा और कामना। उसके बाद देखिए राय, राय का पर्यायवाची होगा मार्ग और रास्ता। उसके बाद देखिए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। टाल मटोल करना, मेरी छोटी बहन पढ़ाई में टाल मटोल करती रहती है। तितर बितर होना, सम्मेलन में नेताओं का समय से ना आने के कारण जनता या सभा तितर बितर हो जाती है। राह देखना, राह देखना यानी प्रतीक्षा करना, तो इसका कैसे बना है, गोपियां श्री कृष्ण की राह देखती रहती थी। मसीह नहीं बन जाना, व्यक्ति को मसीह नहीं बन जाना चाहिए, उसे परिवार से मिलजुल कर रहना चाहिए या परिवार के साथ काम करना चाहिए। अब आगे का देखिए, निर्देशानुसार वाक्य बदलिए। अब प्रश्न दिया है, इसमें निषेध वाचक, गोपाल कल आएगा, तो इसमें निषेध वाचक बनाना है, गोपाल कल नहीं आएगा। अब बनाइए प्रश्नवाचक बनाना है, क्या गोपाल कल आएगा,
बिस्मयादि वाचक बनाना है। अरे गोपाल कल आएगा? संदेह वाचक वाक्य आपको बनाना है। शायद गोपाल कल आएगा। आ गए ना समझ में आपको? निषेध में नहीं लगेगा, प्रश्न आप जानते ही हैं। बिस्मयादि में अरे लगा देना, संदेह में शायद, वाक्य आपका यही रहेगा गोपाल कल आएगा। बेटा मैंने आपको ये पूरा पाठ समझा दिया है, लेखक परिचय भी समझा दिया, इसका सारांश भी समझा दिया, अभ्यास में लघु एवं दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी समझा दिए और भाषा अनुशीलन भी आपको समझा दिया। आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।